पूरी दुनिया में इस समय सनातन का भगवा ध्वज लहरा रहा है। देश विदेश में लोग सनातन धर्म अपनाकर घर वापसी कर रहे हैं। इस बीच बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सनातन धर्म में घर वापसी अभियान व्यापक स्तर पर चलाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के कथा कार्यक्रम में 1000 लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। कथा में यज्ञ कर 251 घर के लोगों को हिंदू धर्म में वापसी की प्रतिज्ञा दिलाई गई। पैर धोकर सभी को घर वापसी कराई गई है। इससे पहले रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि जिन लोगों ने बहकावे में आकर अपना धर्म छोड़ दिया है, यदि वे पुनः घर वापसी करना चाहते हैं तो समाज के लोग उन्हें स्वीकार करें, हृदय से अपनाएं। केवल घर वापसी करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। घर वापसी के बाद उन लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा दें, देश को जाति पाति में न बांटें। प्रत्येक हिंदू अपने को सिर्फ सनातनी कहे। इससे पहले पिछले साल बाबा बागेश्वर ने लोगों से कहा था कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। छत्तीसगढ़ में कर रहे अपनी कथा में उन्होंने कहा कि समूचे क्षेत्र में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, उसे रोका जाएगा। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि सभी सनातनियों ने त्रेता युग प्रारंभ किया है, अब द्वापर युग की तैयारी है। पंडित शास्त्री के इस बयान को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने कथित शाही ईदगाह से मुक्ति कराने के तौर पर देखा जा रहा है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के सभी मंदिरों के पुजारी मंगलवार शनिवार को बच्चों युवाओं को धर्म के प्रति जागरूक करते हुए सनातन धर्म की रक्षा प्रदान करें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी अंतरात्मा को जगाएं। सनातन धर्म से प्रभावित होकर जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, वह लोग जो कभी सनातन धर्म को किसी कारण से छोड़कर किसी दूसरे पंथ में चले गए थे, वह भी सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं।